बुलंदशहर में ज्यादा वर्षा होने के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मजबूर किसान अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि वह अब करे तो क्या करे, क्योंकि रोजाना की तरह वर्षा हो रही है, जिससे आलू मटर गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ज्यादा बारिश होने पर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही है। मौसम के रुख में बदलाव के साथ ही हुई बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया है। अगर बारिश का यही क्रम जारी रहा तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार वर्षा होने से उनकी फसल पीली पड़ने लगी है, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत दयनीय हो सकती है। इसलिए उनको अब चिंता सताने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत जोरदार वर्षा हुई थी, जिसकी तस्वीर भी हम इस खबर में आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि उसी बरसात के कारण फसलों में दम नजर नहीं आ रहा है और अब भी आए दिन रोजाना की तरह वर्षा हो रही है, जिससे किसान अपनी फसलों को लेकर बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो भी हम फसलों में छिड़काव व लागत लगा रहे हैं, वह सब वर्षा होने के कारण बेकार हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत ही हानि का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने शिकायती पत्र देकर फसलों के मुआवजे की मांग की है। समाचार एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने वर्षा होते हुए भी जीरो ग्राउंड पर जाकर किसानों के दर्द को अपने साथ साझा किया। देखिए बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की यह खास रिपोर्ट। बुलंदशहर में भारी वर्षा होने के कारण किसानों को हो रहे हैं भारी नुकसान। आज के मौसम को देखा जाए तो आज भी बारिश है, पहले भी बारिश कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई थी, जिसके कारण किसानों की फसल उठने का नाम नहीं ले रही है। किसान बहुत ही परेशान नज़र आ रहा है और अपनी फसल को लेकर के बहुत ही निराशाजनक है। किसान आज के युग में वैसे भी बहुत घाटे में नज़र आता है, जिससे किसान बहुत ही मजबूर है। किसान मजबूर है कि वो अब करे तो क्या करे। कैमरामैन विकास पर्सन के साथ मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। क्या बारिश के कारण क्या क्या हानि हो रही है? बारिश के कारण शीत ब्लाइट, देख सकती हैं आप, शीत ब्लाइट आ रही है और जिस दिन भी बारिश होती है उसी दिन चालू हो जाती है शीत ब्लाइट दोबारा। हम दवा लगाते लगाते परेशान हैं, अब इसका क्या उपचार किया जाए। और देखो मटरा भी देख सकती हैं आप, ऐसा ही मटर में हो रहा है। मटर देखो ये हाल है मटर का, सुखड़ा कर हो गई है बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश पड़ने के कारण हो रहा है ये। बारिश बंद करवाओ। किस कारण नुकसान हो रहा है? लगातार बारिश होने के कारण पिछले 13 दिसंबर से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर 2-3 दिन के गैप में हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। मैंने और हमारे कुछ गांवों के लोगों ने पहले शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कि किसान को कुछ किस चीज़ का शिकायत पत्र दिया है? यही के जो कृषि ऋण थे जिन किसानों पर, सरकार का कृषि ऋण था, तो उसके अगेन जो बीमा हुए थे उनका कुछ मुआवजा मिल जाता किसान को जो फसल क्षतिग्रस्त हुई है। कितनी हानि हो चुकी है अब तक किसानों की? हानि क्या, आप ये देख रहे हो पूरा खेत ही खराब हो गया है, इसमें क्या निकलेगा। और कई गेहूं की फसल भी पलट के बो दी है, मटर भी, बाकी सभी ईक को छोड़कर, गन्ने को छोड़कर बाकी सभी फसल को नुकसान है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।